हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सेज ब्यूटी जोन। आपने ये प्रोडक्ट जो है मॉन्सअप का पीलिंग ऑफ ब्लैक मास्क, चारकोल पील ऑफ मास्क है ये आपने सोशल मीडिया पे बहुत देखा होगा कि इसकी इस प्रोडक्ट की जो हाइप बहुत ज़्यादा क्रिएट हुई है सोशल मीडिया पे। बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे रिव्यूज़ आपने इस प्रोडक्ट के सुने होंगे। आज मैं भी इस प्रोडक्ट के बारे में अपने विचार पेश करूँगी कि मेरे नज़र में ये प्रोडक्ट थम्स अप है या थम डाउन। और इससे आगे बढ़ने से पहले, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ में जो बेल बटन है, नोटिफिकेशन बेल बटन, उसको क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली मेरी वीडियो सारी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगे तो उसको लाइक करना, और अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ प्यार करते हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना ताकि उनके 1000 रुपीज बच सके। मैं इस प्रोडक्ट का रिव्यू टू द पॉइंट ही करूंगी, इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगी। ये देखो ट्यूब जैसी इसकी पैकेजिंग आती है कार्डबोर्ड में, और 100 ml की इसकी पैकेजिंग है। इसकी प्राइस है 1000 रुपीज। थोड़ा सा प्राइसी है, लेकिन अगर प्रोडक्ट अच्छा होता तो मेरी नज़र में कि थोड़ा सा प्राइस पे हम कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। और इस प्रोडक्ट को हम ब्रश से अपने फेस पे अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो, ये बहुत ग्लोई प्रोडक्ट है। जो अगर आप ब्रश से इसको अप्लाई करोगे अपने फेस पे तो ब्रश आपका ख़राब हो जाएगा। अगर धोने जाओगे तो अच्छा खासा टाइम आपका वेस्ट होने वाला है। और आप फिर क्या करोगे, फिंगर से अप्लाई करोगे। इसकी कंसिस्टेंसी रनी है, जब आप फिंगर से अप्लाई करोगे तो बहुत ज़्यादा मेस क्रिएट हो जाती है। और ये प्रोडक्ट क्लेम करता है कि ये डीप क्लींजिंग करता है, ब्लैक हेड्स को रिमूव करता है, नोज़ के ब्लैक हेड्स को रिमूव करता है और डार्क स्पॉट्स को रिमूव करता है, क्लींजिंग करता है, नो डाउट क्लींजिंग, जो पोर्स की क्लींजिंग करता है। ब्लैक हेड्स को ये रिमूव करता है या नहीं, उसके लिए आपको ये मेरा छोटा सा आगे का क्लिप देखना पड़ेगा। इस पर क्लियरली मेंशन है कि हम इस मास्क को अपने फोरहेड, नोज एरिया और चिन पे अप्लाई कर सकते हैं। हमें अपना आई एरिया और वो एरिया जहाँ पे हमारे हेयर हैं वहाँ पे नहीं अप्लाई करना है, उस एरिया को अवॉइड करना है, क्योंकि जब हम इस मास्क को पील करेंगे तो जहाँ पे हेयर हैं तो बहुत ज़्यादा पेन होगा। इसलिए हमें सिर्फ अपने फोरहेड, नोज एरिया और चिन एरिया पे इसको हम अप्लाई कर सकते हैं। और हम इस प्रोडक्ट को, इसकी कंसिस्टेंसी रनी है तो हाथ पे नहीं ले सकते हैं, हमें डायरेक्टली ट्यूब से निकाल के ऐसे अपने हाथ पे लेना होगा और अपने फेस पे इसको अप्लाई करना होगा। ये देखो ग्लूई है कंसिस्टेंसी और थोड़ी सी रनी है, इसलिए ध्यान से अप्लाई करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी कितनी रनी है। इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो गले में जैसे चढ़ रही है, गले में फील हो रही है, इरिटेशन होती है गले में। अब मैं इसकी वेट करूंगी इसके ड्राई होने तक, उसके बाद मैं आपको पील करके दिखाती हूँ। तो चलिए, फेस पैक अब ड्राई हो गया है, अब इसको पील ऑफ करके देखते हैं। अगर आपके फेशियल हेयर कम है तो कोई पेन नहीं होगा, अगर फेशियल हेयर है तो बहुत पेन होगा। नहीं, बिल्कुल पेन नहीं हो रहा। थिक लेयर लगाएंगे तो इजीली निकलेगा। आप देख सकते हैं कितना इजीली निकल रहा है, पूरी लेयर निकल रही है। कोई पेन नहीं हो रहा है।
अच्छा निकला है। अब इसके बाद जो भी रेजिड्यू बचा है ये हम क्लीन वाटर से इसको वॉश कर लेंगे। तो अब मैंने अपना फेस क्लीन कर लिया है, मैंने मिरर में ध्यान से देखा है कि मेरे यहाँ नोज टिप पे अभी भी ब्लैक हेड्स हैं, यहाँ भी ब्लैक हेड्स अभी हैं। और ये जो अगर हम हेयर रिमूविंग की बात करें कि बाल जो निकालता है थोड़े, तो बहुत छोटे छोटे बाल हैं लेकिन वो भी नहीं निकले हैं। तो आई एम नॉट सेटिस्फाइड, मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ इस प्रोडक्ट से कि 1000 रुपीज़ में आपको जस्ट थोड़ी सी क्लीनिंग मिलती है। नो लास्ट में जब हम पील ऑफ मास्क को निकाल देते हैं, फेस को क्लीन कर लेते हैं, तो ऑलमोस्ट 15 to 20 मिनट्स के बाद स्किन पे बर्निंग सेंसेशन शुरू हो जाती है। जैसे कि कोई गर्म चीज़ जब स्किन पे लगती है तो तब जो स्किन को फील होता वही जो फीलिंग है आपके फेस पे फील होनी शुरू हो जाती है। ये वेरी टू वेरी करता है स्किन पे कि स्किन टाइप आपकी कैसी है या कैसी स्किन है, किसी स्किन पे कम होता है, किसी स्किन पे ज़्यादा होता है, तो बर्निंग सेंसेशन भी होती है। मेरी तरफ से तो थम्स डाउन टू दिस प्रोडक्ट, ये मेरे पर्सनल रिव्यूज हैं। अच्छा लगे तो अपना लो, बुरा लगे तो जाने दो, हो सकता है आपकी स्किन पे जो प्रोडक्ट अच्छा काम करे। तो आज के लिए इतना ही, आती हूँ एक नए प्रोडक्ट और नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।